है 2013 में मैंने प्रियव्रत सिंह जी को हराया, दिग्विजय सिंह जी के भतीजे। दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे और मैंने ये जब कांग्रेस छोड़ी थी ये कही थी कि आज के बाद तुम्हारे दरवाजे नहीं आ जाऊँ आऊँगा और तुम्हें जब तक हर सीट पर नहीं निपटा दूँ। तो मैंने जब पूरे खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर पंचायतें, जनपद, मंडियाँ सारी जब बीजेपी की जीत गई विधायक, तो ये बौखला करके और ये राजा महाराजा इनने बहुत पैसे खर्च किए। 3 दिन तक मेरे यहाँ हेलीकॉप्टर द्वारा मुँह गरीब करसान को बेटो बैलगाड़ी चला। प्रियव्रत सिंह जी इल्ज़ाम लगा रहे हैं पैसे बांट के चुनाव जीते थे आप पिछली बार, अब बड़ी चुनौती हो गई है सर, इस बार कितने पैसे बांट सकते हैं प्रियव्रत सिंह जी? तो राजा महाराजा कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने बहुत खर्चा किया और करने में तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पास इतना धन है ही नहीं है जिसके पास विश्वास। सरकार लाएंगे इस बार, राज्य में सरकार लाएंगे, बिल्कुल कोशिश पूरी कर रहे हैं, लाने वाले ये लोग हैं। अगर से कितनी सीटें हैं राजगढ़ से? 5 पक्का? अब प्रयास तो 5 के लिए करेंगे ना यार, अब आप बोलोगे 3 के लिए प्रयास करो, नहीं करेंगे हम तो, 5 के लिए लड़ेंगे, 5 जीतेंगे। प्रियव्रत सिंह जी श्रेय लेने का काम करते हैं, आप ये बोल रहे हैं? प्रियव्रत सिंह जी का काम है श्रेय लेना, और मैं आपसे एक बात और बता दूं, इनकी ये हालत है कि इनने जब पहली बार चुनाव लड़ा था गांव में जाके जो घोषणाएं की थी, आज तक उन घोषणाओं का पैसे गांव में नहीं पहुंचा। अभी आज लोग बाग अच्छा नहीं पहुंचा? पक्का नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, गांव में काफी सारे लोग बोलते हैं कि दरबार तो बड़े जबान के पक्के आदमी है। और आप श्रेय लेने गए थे कि बीजेपी के काम वहाँ काम का वहाँ पे? बिल्कुल नहीं लेने गया था, और जो काम ज्ञान सिंह जी गुर्जर जब जिला पंचायत के सदस्य थे, वो भवन अलग बना हुआ है उसका उद्घाटन वो जाके कर सकते हैं, मैंने उसको छुआ तक भी नहीं, ना 2021 में बना हुआ भवन है, 2021 से वो पेंडिंग चल रहा था, धीरे धीरे करके वो बन के तैयार हुआ। वहाँ पे बाउंड्री वॉल मनरेगा से हमारा पार्टी का कार्यकर्ता है सरपंच, उनने मुझसे उसका उद्घाटन करवाया, और साथ ही एक चबूतरा निर्माण उस चबूतरे के बगल में वहीं पे मैंने 2.5 लाख रुपया विधायक निधि से दिया, उसका भूमि पूजन करवाया। मैंने जिला पंचायत सदस्य के बनाए हुए भवन पे उंगली तक नहीं लगाई, वो उनका बनाया, उनने उनके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये कह रहा हूँ कि इनने जितने वायदे किए हैं गांव में एक पैसा नहीं दिया। दूसरी बात, ये कोई एक स्थायी काम इनने ऐसा नहीं किया। आज ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं यहाँ ये फलाना कॉलेज खुलवा दूंगा, खुल गया क्या? इनने एक यहाँ कॉलेज के लिए घोषणा करी थी कि मैं यहाँ कृषि कॉलेज, कौन सा, वेटरनरी कॉलेज खुलवाऊंगा, जो आज तक कहीं पता नहीं। अगर इनमें दम थी तो ये जब मंत्री थे उस समय उसका आर्डर करा देते, उसका भूमि पूजन करा देते और उसका काम चालू करा देते तो आज धरातल पे होता। इनने एक काम नहीं किया जो इस क्षेत्र के लिए होना चाहिए था, छोटी मोटी सड़कें। दूसरा, जीरापुर में आईटीआई का भवन 10 करोड़ का मंजूर है, 2 भाजपा के नेताओं के बीच में जमीन का विवाद है, उस विवाद पे मैं लगातार कलेक्टर पे प्रेशर बना रहा हूँ कि वो जमीन नपके, और आईटीआई के नाम तो कर दिए कलेक्टर ने, पर उसका सीमांकन मौके पे होके काम प्रारंभ होना है। उद्यानिकी महाविद्यालय जो छापी बांध की अतिरिक्त जमीन जो रिटर्न हुई है राजस्व को, उसको इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव भी कर दिया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अप्रूवल हो भी गया है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज का अप्रूवल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट नहीं देता है, ऑन इन प्रिंसिपल हमारी सरकार में वो हो गया, बस उसके लिए फंडिंग चाहिए, सरकार ने 4 साल से उसको बजट में शामिल नहीं किया है। पार्टी में जाऊँगा, कांग्रेस में मैं नहीं जाऊँगा, क्यों कि चूँकि आज हमारा जो आपस में जो है प्रियव्रत सिंह जी के मेरे, ये गाड़ी के 2 पहिए हैं कांग्रेस की, खुल के नहीं बता रहे हैं क्या है आपस में आपस में क्या है, हमारे दोनों के विचार मिलते नहीं हैं, और चूंकि उनने मेरे साथ जो किया है तो उससे मैं तो दुखी हूँ, तो मैं उनके पास तो नहीं बैठ सकता हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस में तो नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी नुकसान उठाना पड़े, और मैं तो बीजेपी में ही रहूँगा। पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं देगी तो भी बीजेपी में ही रहूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा जो पार्टी का निर्देश होगा। माता, बड़ी जोरदार बात है, बड़ी जोरदार बात है कि 10 साल जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तब पावर में कौन था? पूरी खिलचीपुर जान की। 20 साल शिवराज सिंह जी की सरकार है तब पावर में कौन है, सरकार से कौन जुड़ा हुआ है, यह पूरी खिलचीपुर जानती है।
आप कांग्रेस में भी गुलाब जामुन खाए और बीजेपी में भी गुलाब जामुन खाए, ऐसे रसूखदार नेता के लिए जोरदार तालियां। साथियों, मैं सरकार तो मैं कहीं नहीं करूंगी, यही मैं सुनना चाह रहा था, यही मैं सुनना चाह रहा था। हम लोग भी जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग रोज, मैं खुद भी एक दिन सवेरे 9:30 से एक नगर पंचायत में जनसंपर्क चालू करता हूँ, उसके बाद में 2 बजे बाद फिर दूसरी नगर पंचायत में पहुँचता हूँ। अच्छा, हमने सुना हार्ट के पेशेंट हैं आप। हार्ट का पेशेंट होने के बावजूद भी कल की बताऊँ, मैंने 9:30 से खिलचीपुर में जनसंपर्क चालू किया, उसके बाद 3 बजे से छापेड़ा में जनसंपर्क चालू किया, उसके बाद 7 बजे वहाँ से दवाई गाड़ी जो माचलपुर गया, और माचलपुर में 10:30 रात तक जनसंपर्क करने के बाद में 12:30 तक में मेरे यहाँ जो बैठे थे ऑफिस में उन सारे लोगों से मिला। मतलब जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी ही मेहनत हमारे यहाँ के सारे जितने जनप्रतिनिधि है, पूर्व विधायक जी है, मंडल अध्यक्ष जी है, मंडल के पदाधिकारी हैं, मोर्चे के पदाधिकारी, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामूहिक रूप से जनसंपर्क कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, खाते क्या हैं आप? खाना ही खाते हैं ना? मैं चूंकि डॉक्टरों की सलाह भी मानना मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे को डॉक्टर ने जो परहेज बताया उस हिसाब से मैं दूध दलिया, और रात को जाके भले किस्मत में 12 बजे मिलो कि 1 बजे मिलो दाल और रोटी। सवाल आपसे ये, चुनाव की तैयारियाँ कैसी चल रही है आपकी? चुनाव की तैयारी बढ़िया है, और मैं तो 5 साल काम करता हूँ, मेरा वो काम का तरीका थोड़ा अलग है, खिलचीपुरवासी भी जानते हैं और आप भी जिले के जानते हैं कि मेरा तो पूरे 5 साल का काम है, रोज़ सुबह से लेकर शाम तक का, तो अपने काम में जुटा हुआ। प्रियव्रत सिंह जी का कल परसों इंटरव्यू किया मैंने, उन्होंने बोला कि 5 में से 5 सीटें कांग्रेस की आएगी, क्या कहेंगे? पहली बात तो 5 में से 5 मतलब विधानसभा की, विधानसभा की अगर 5 में से 5 उनकी आ जाएगी तो आज ऊपर से लेगा कि नीचे तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जनता पार्टी के कार्यकर्ता में दम नहीं है क्या? अरे जनता पार्टी कार्यकर्ता में वो दम है, पहले कांग्रेस की जो सरकारें थी कितना बहुमत था और आज सिमट गई है, सिमट। और मोदी जी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत, उसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लगा हुआ है, शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, करेंगे। और मेरे लिए भी बड़ी चुनौती वही है, प्रियव्रत सिंह जी, और उनके लिए भी बड़ी चुनौती मैं ही हूँ। दोनों कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। अब वो उस कांटे की टक्कर में देखो क्या परिणाम निकलता है, लेकिन उनका भी प्रयत्न है जैसा मैं देख रहा हूँ, मेरे लिए चुनौती तो